वीर भया अण भार जगत में, वीर भया अण भार जगत में, वीरा ऊपर वीर भयो। तमर वंश रो मान बढ़ावण राजा राम सा वीर हुयो। जय जय तमर राम सा वीर, जय जय राजा राम सा वीर, जय जय तमर राम सा वीर, जय जय राजा राम सावी। विक्रमादित्य पुत्र कही जे राजा मान रो मान बन्यो। ग्वालियर धरती तमर वंश में क्षत्राणी एक वीर जन्यो। चंद्र वंश रा वीरारिया, चंद्र वंश रा वीरारिया, भारत भुजागी। जय जय तंवर राम सावी, जय जय राजा राम सावी, जय जय तंवर राम सावी, जय जय राजा राम सावी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आज मुरैना की धरती से, चंबल घाटी से मैं महाभारत के परमवीर और पराक्रमी योद्धा अर्जुन का वंशज, भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित और परीक्षित के पुत्र महाराजा जनमेजय सिंह तोमर उनका वंशज, और महाभारत के अंतिम सम्राट दिल्लीपत महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की मैं 23वीं पीढ़ी नरेंद्र सिंह तोमर आज आपके समक्ष हमारे लोकप्रिय माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री रुस्तम सिंह
मध्य प्रदेश शासन ने अपने दिल की बात और मुरैना के दिल की बात जो कही वो आज आपके समक्ष हम यह प्रस्तुत कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा बीते जाते हुए साल में 31 दिसंबर को। करूंगा पर्टिकुलर मुरैना विधानसभा की बात। मुरैना विधानसभा में जो काम हुए हैं उनके होने के स्वीकृति के समय भी आप लोगों ने उसको जनता तक पहुंचाया है। हम लोग जो कुछ करते हैं उसका एक बेहतर पक्ष आम जनता तक जाए और जो मंशा है सरकार की और हम लोगों की वो सब तक पहुंचे, इसका एकमात्र माध्यम मीडिया के मित्र होते हैं। वही जनता तक बातें को पहुंचाते हैं। वो आप लोगों ने बखूबी किया है, मैं उसके लिए भी आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। कल से 2018 का आगाज हो रहा है, उसके पूर्व बेला पे हमने ऐसा सोचा कि साल भर में जो हमने किया है मंत्री के रूप में पूरे प्रदेश के लिए भी करते हैं, जिले के लिए भी करते हैं और एक विधायक के रूप में मुरैना विधानसभा के प्रति मेरे उत्तरदायित्व बनते हैं। इसलिए हमने जो काम किए हैं जिसमें केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से सहयोग मिले हैं, बिना मुख्यमंत्री जी के फाइनेंशियल सपोर्ट के विकास के कार्य हो नहीं सकते, चाहे वो नगर निगम के हों चाहे अन्य विकास के कार्य हों। हमारा जो फोकस था गत वर्ष से, पिछली बार हमें जब मंत्री ग्रुप में कार्यकाल मिला था उसमें हमारा पूरा फोकस गांवों को अच्छे मार्ग से जोड़ने का था, आवश्यक बिजली उपलब्ध कराने का था, शिक्षा क्षेत्र में स्कूल सुविधाजनक ढंग से देहातों में भी हो जाएं, उसके लिए था। उसके रिजल्ट आपके सामने हैं। सामान्यतः मुरैना विधानसभा का कोई भी गांव, बहुत ही कम कोई बचे जो प्रधानमंत्री सड़क से जुड़े ना, बल्कि कई गांव ऐसे थे जो दो तरफ से रोड से जुड़े। इस बार दो चीज पे फोकस था, बिजली और पानी, पानी पीने के लिए भी, पानी सिंचाई के लिए भी। सिंचाई के लिए जो मुरैना विधानसभा में जहाँ तक चंबल नहर का सवाल है, बड़े कम एरिया में ही उसका पानी मिल पाता है। अब छोंदा या जगतपुर बिचोली शिवलाल का पूरा इतने भर गांव मुरैना विधानसभा के हैं जिनमें चंबल नहर का पानी मिल सकता है। बाकी व्यवस्था ही करनी है तो उसके लिए एकमात्र साधन थे हमारे पास दो नदियां हैं, आसन नदी और सांक नदी। सांक नदी पर दो स्टॉप डैम पहले भी बनाए थे और अब आसन नदी पर परीक्षा के पास लगभग 7 करोड़ का स्टॉप डैम बना और इसमें 4 किलोमीटर पीछे तक अच्छा पानी वहां भरा हुआ है और 3-3 किलोमीटर तक लोग किसान हमारे उससे सिंचाई का काम कर रहे हैं। उसका संक्षिप्त ब्यौरा दिया भी है प्रेस नोट में। इसी तरह का सांक नदी पर बमरोली में बनना शुरू हो गया, हमने शिलान्यास किया, कल ही पहाड़ी का शिलान्यास किया है, वो बनना शुरू हो गया। प्रयास ये रहेगा, एक महोरी पे बन रहा है जिसका भी लाभ विधानसभा मुरैना को मिलेगा, दिमनी को मिलेगा। परीक्षा डैम का भी लाभ दिमनी विधानसभा को भी मिलेगा और मुरैना को मिलेगा। ये पानी
फालतू बिल्कुल जाए ना, जितनी कैपेसिटी डैम्स की है वो पूरे टाइम भरे रहें, ऐसा प्रयास हम लोगों ने किया है और इसके लाभ आने वाले साल में मिलेंगे। परीक्षा का तो भी मिल रहा है, लेकिन पहले से सपचौली और तिगरा डैम बने हुए हैं, वो पानी अभी भरे हैं, उनकी वजह से काफ़ी वाटर लेवल बाकी चीज़ें हैं। ये सिंचाई के लिए और नहर का विस्तार, चंबल की नहर का जो पिलुआ के नीचे वाला इलाका जाता है, वहाँ भी 5-7 पंचायतों को पानी मिलता है विधानसभा, उनकी नहरों का सुदृढ़ीकरण और ये स्टॉप डैम के जरिए सिंचाई की सुविधा, बिजली की सुविधा, उसके लिए सब स्टेशन बिचोलम बना, एक सब स्टेशन जरेरुआ में, एक नूराबाद में, नूराबाद में सब स्टेशन की कैपेसिटी बढ़ाने की बात थी, एक ओसी बढ़ाने की बात थी, वो भी हो गई है, और सब स्टेशन तो बन रहे हैं, फूलपुरम बन रहा है, एक और पेपर सेवा साइट बन रहा है, रिठौरा पहले से था, तो बिजली उपलब्ध हो जाए और जो कुछ गांव बच गए थे जिसमें पहाड़ी है, पिसेंटा है, गुलेंद्री है, इन गांव में विद्युत योजना का काम शुरू हो गया है और काफ़ी जल्दी वो भी पूरा हो जाएगा। तो बिजली मिले, सिंचाई और पीने के लिए पानी मिले, पानी की तो आपको जानकारी है, एक जमाने से मांग थी, लेकिन ये कहते हुए अच्छा लगता है कि अब चंबल का पानी मुरैना को मिलेगा, मुरैना नगर को मिलेगा और मुरैना के साथ साथ वही आगे भी जाएगा ग्वालियर तक, उसकी सब बाधाएं दूर हो गई हैं और जल्दी ही निर्माण उसका पानी लाने का कार्य शुरू हो जाएगा। सीवर लाइन भी एक जमाने की मांग थी, उसका भी काम पिछली बार शुरू हुआ है, काम चल रहा है, शहर की गंदगी दूर करने के लिए, शहर को अच्छा पानी पिलाने के लिए। अभी तो कहा जाता था मुरैना वालों को कि चंबल का पानी पीते हैं हम, अब हकीकत में चंबल का पानी ये लोग पिएंगे आने वाले समय में। फ्लाईओवर की एक जमाने से मांग थी, एवी रोड के बैरियर चौराहे पर अक्सर जाम होता, फ्लाईओवर होना चाहिए। मैं गडकरी जी को, जो केंद्रीय निर्माण मंत्री हैं, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि 108 करोड़ मंजूर भी हो गया, एजेंसी भी तय हो गई और जल्दी ही वो निर्माण कार्य शुरू होगा, तो ये जो जाम हुआ करता था उससे राहत अपने को मिलेगी। ये बहुत बड़ी सुविधा, बहुत बड़ी सौगात मुरैना नगर के लिए होगी। नगर के अंदर जो विकास कार्य हो रहे हैं, रोड, रेलवे लाइन के किनारे से जो रोड बना है, बेहतर अच्छी क्वालिटी का और निर्माणाधीन है और बहुत सारे काम कॉरपोरेशन में हुए हैं। साथियों, मुझे ये कहते हुए भी अच्छा लग रहा है कि भामौर जैसे शहर में जो कभी पानी के लिए इतना मोहताज होता था, जब हम 2004 और 5 में थे, गर्मी के समय में सिवा टैंकर से पानी लाने के अलावा कोई सुविधा होती नहीं थी, रात भर लोग इंतजार करते, लाइन लगती बच्चों की, महिलाओं की, पानी की एक बाल्टी के लिए, पानी था नहीं, वाटर लेवल नीचे था। सपचौली का डैम बना, उससे भी पूरा काम नहीं बना, तो एक योजना बनाई पिलुआ डैम से पानी लाने की, वो 16 करोड़ रुपए की थी और अब 90% भामौर की जनता को पिलुआ डैम का, अगर मैं कहूं कि चंबल का पानी, क्योंकि पिलुआ डैम में भी पानी चंबल का ही आता है, वो पानी अब मिल रहा है। फिल्टर प्लांट बहुत अच्छा बना, 3 टंकी का निर्माण हुआ, करीबन 24 लाख लीटर पानी की उपलब्धता बढ़ी और अब 10% एक नया गांव और छोटा सा एरिया बचा है, हमने उसका विधिवत लोकार्पण अभी तक नहीं किया, ये कह करके 10% भी पूरा कर लीजिए तभी करेंगे हम लोकार्पण इसका। और भी निर्माण कार्य भामौर में भी करोड़ों रुपए के हुए हैं, इसमें जानकारी दी है, तो मैं ये कहूँ कि हर फ्रंट पर पर्याप्त प्रयास किए गए हैं और उसके परिणाम भी मिले हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग का सवाल है, जिस विभाग को मैं देख रहा हूँ, उसके लिए भी अपेक्षाएं बहुत हैं, हमने प्रयास किए हैं कि अधिक से अधिक स्वास्थ्य के लिए हम सुविधाएं जनमानस तक पहुंचाएं, इसीलिए इसको 300 का 600 बेड हुआ, अब उसका निर्माण कार्य की एजेंसी तय हो रही है,
काफ़ी जल्दी हो जाएगी और एक बेहतरीन डिज़ाइन का और बेहतरीन भवन हॉस्पिटल के लिए बनेगा। जो एग्जिस्टेड बिल्डिंग हॉस्पिटल की है उसमें भी 3-4 करोड़ रुपए से उसका पूर्ण जीर्णोद्धार करके और वो भी सुसज्जित बेहतर बिल्डिंग बन जाए, जो वार्ड हैं वो बढ़िया हो जाए, सब ठीक कर दें और सिविल सर्जन का ऑफिस भी ठीक बने। अभी 80 लाख रुपए मेंटेनेंस के लिए आया हुआ है, दिया हुआ है भिंड का, जिसने बहुत अच्छा हॉस्पिटल भिंड चिकित्सालय जिला कर दिया है, एजेंसी वही बनाई गई है ताकि बेहतर कर दे। ये भी वर्तमान में तो 61 करोड़ से भी ज़्यादा, कुछ ज़्यादा पैसा जिला चिकित्सालय के एक्सटेंशन के लिए है। इसी तरह से भामौर में केवल 8-10 बिस्तर का था, 1-2 डॉक्टर थे, उसको सिविल हॉस्पिटल स्वीकृत किया और अब 50 बेड का हॉस्पिटल, उसके लिए भी 12 करोड़ से ज़्यादा धनराशि उपलब्ध है, उसकी भी एजेंसी तय होने जा रही है। नूराबाद में भी जो CSC थी उसको FRU बना रहे हैं, उसके लिए भी 3-4 करोड़ रुपए उसके पुराने भवन को तोड़कर नया बनाने के लिए, आवास के लिए और बेहतर भवन बनाने के लिए मंजूर हुए हैं। पटियावाले महाराज जी पर नया हॉस्पिटल, परीक्षा गांव में नया हॉस्पिटल, परीक्षा हमारा इतना दूरस्थ गांव था कि वहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं था, वो भी मंजूर हुए हैं और वो काम उनके भी जल्दी शुरू होंगे। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं आपको एक खुशखबरी बताऊं कि 26 जनवरी से हमारा प्रयास है कि नई सिटी स्कैन मशीन मुरैना को उपलब्ध होगी और अभी इस मशीन को सिटी स्कैन को गवर्नमेंट नहीं चलाएगी, गवर्नमेंट के डॉक्टर का कोई रोल न होगा, वो केवल रेफर करेंगे, उसका सिटी स्कैन प्राइवेट एजेंसी करेगी, प्राइवेट एजेंसी ही मेंटेनेंस करेगी, वही निकालेगी, वही सब करेगी, स्थान उनको हम उपलब्ध कराएंगे। और जो पुरानी सिटी स्कैन थी उसके मेंटेनेंस के लिए भी पैसा आया हुआ था, वो अब वो यहाँ से राजगढ़ के लिए उस पुराने वाले को शिफ्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पर नई सिटी स्कैन मशीन लगेगी। और ये बात है जो बहुत अच्छी है, मार्केट में आज 3,000, 4,000, 5,000 रुपये तक एक एक सिटी स्कैन का लगता है, 3,000 से कम तो लगता नहीं है, अब मात्र 933 रुपये में सिटी स्कैन होगा मुरैना में। और मुझे लगता है कि धौलपुर से लेके UP तक के लोग शायद यहीं सिटी स्कैन कराने आएंगे। उसमें हमारे डॉक्टर्स गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर हैं पूरे ज़िले में, वो कोई मरीज रेफर करते हैं तो उनका पैसा 933 रुपये के हिसाब से मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट चुकाएगी, उसमें उनका सिटी स्कैन मुफ्त में होगा, उनका कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन उनको ये अनुमति दी गई है, उनको ये सुविधा दी गई है कि प्राइवेट कोई भी सिटी स्कैन कराता है तो वो 933 रुपये प्रति सिटी स्कैन के हिसाब से, चार्ज के हिसाब से वो कर सकते हैं। तो प्राइवेट को भी करेंगे और हमें उम्मीद है कि ऐसी स्थिति में प्राइवेट एजेंसी 24 घंटे सिटी स्कैन को चालू रखेगी, क्योंकि उनका खुद के बिजनेस का सवाल है, उनके खुद के लाभ हानि का सवाल है। और कभी भी मतलब मिनिमम टाइम में उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो उसको वो ठीक भी करेंगे, क्योंकि जितनी लेट होगा तो उन्हीं का नुकसान होना है। इस तरह की हमने अभी शुरू की है 20 में, 26 जनवरी को 10 सीटी स्कैन चालू हो जाए ये टारगेट है और उसके एक आध महीने के अंदर पूरे 20 होंगे। इनके ठीक से रिजल्ट आते हैं तो जहाँ जहाँ अभी हमने वो जगह छोड़ी है जहाँ पहले से सीटी स्कैन की सुविधा है, जहाँ मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ तो सीटी स्कैन पहले से ही होता है, वो जगह को छोड़ के ऐसा किया है, लेकिन मेडिकल कॉलेज उतना कर नहीं पाते, उसके हिसाब से हम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में भी सीटी स्कैन की सुविधा आने वाले टाइम में इसी दर पे कराने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जो चाहे मुरैना हो चाहे कोई भी जिला हो, हमारा जो किडनी वगैरह खराब होती है उसके लिए डायलिसिस जो करते हैं, डायलिसिस की सुविधा और कैंसर के मरीजों को जो वो थेरेपी करते हैं कीमोथेरेपी, वो सुविधा भी दी जा रही है, उसका और विस्तार और अधिक आवश्यकता है, उसको करने का भी नए वर्ष में हम लोग प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जैसा
बराबर हमको सहयोग दिए हैं, प्रशासन के कार्य को सहयोग दिए हैं, और जब जरूरत पड़ी है अलर्ट करने की, जरूरत पड़ी है कुछ बेहतरी के लिए, तो आपने उसमें भी कसर नहीं छोड़ी कि ये गड़बड़ है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं अपने मित्रों को जरूर बताना चाहूँगा, वो थोड़ी हंसने की भी है, कि अगर स्ट्रेचर टूटा है तो मंत्री जवाबदार, अगर कॉरिडोर में गंदगी है तो मंत्री क्या देख रहा है, और अगर कोई 2 करोड़ और 1 करोड़ की बड़ी चीज आ गई हॉस्पिटल के अंदर तो सिविल सर्जन के प्रयास से मिल गई। ये थोड़ा ठीक नहीं लगा मेरे को, सिविल सर्जन के प्रयास से मिलती तो ग्वालियर में भी मिलती, इंदौर में भी मिलती, भोपाल में भी मिलती, लेकिन मुरैना ही तो क्यों मिली? कोई भी चीज मध्य प्रदेश में 3 जगह भी शुरू होनी है तो मुरैना में जरूर शुरू होगी। और डिजिटल एक्सरे की बात कहूं मैं, अभी बड़े से बड़े चिकित्सालयों में नहीं है, लेकिन मुरैना में डिजिटल एक्सरे मशीन भी है और हो भी रही है। मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन ये जो काम है, क्या कॉरिडोर की गंदगी ठीक कराना, स्ट्रक्चर ठीक करना सिविल सर्जन का काम नहीं है? सिविल सर्जन का ही काम है, CMHO का काम है, सिविल सर्जन का काम है, जॉइंट डायरेक्टर का काम है, डायरेक्टर हेल्थ का काम है, कमिश्नर हेल्थ का, जितनी हायरार्की उन सबका काम है। क्या मंत्री देखता है कि गंदगी है? ये मैं मानता हूं कि चूंकि मैं यहां से विधायक हूं तो सब लोग उम्मीद तो मेरे से ही करेंगे, उसके लिए गंदगी ठीक रहे, साफ सफाई बहुत अच्छी रहे, इसके लिए भी आमूल चूल परिवर्तन करने हम लोग जा रहे हैं। आने वाले समय में कुछ समय बाद ही ये जिले जिले के लेवल पर जो ठेके होते थे और वो ठीक नहीं होते थे, मेहतर को कम पैसा मिल रहा है, काम करने वाले सफाई कर्मी को पैसा कम मिल रहा है, सफाई हो नहीं रही है, कोई जवाबदारी नहीं, उसके लिए हमने तय किया है कि पूरे मध्य प्रदेश को केवल 2-3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में ही बांटेंगे, बड़ी से बड़ी एजेंसी को लेकर आएंगे, उन एजेंसी को लेकर आएंगे प्रोफेशनल्स को जो इंडिया लेवल पर बेहतर से बेहतर एक काम करते हैं, और इनकम टैक्स पे ही हैं, बड़ी फर्म है, बड़ी कंपनी है, प्रोफेशनल हैं, उनसे एक काम कराएंगे और वो जवाबदार भी होंगे कि अगर कोई गलती पाई जाती है तो उनकी कटौती होगी। स्ट्रिक्टली ये काम देने के पहले पूरी छानबीन की जाएगी, ऐसा हमारा प्रयास है। और जैसे ही वो आते हैं, ये अभी जो चल रहे हैं वो टेम्परेरी, मार्च में टर्म खत्म हुआ, ये व्यवस्था करने में थोड़ा समय लग रहा था तो वो चले हैं। इसी तरह से साफ सफाई का भी, जो बाकी चीज की सफाई होती है उसके लिए भी, क्लीनिंग के लिए भी, फिर इसके साथ साथ सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के गार्ड, सुरक्षा के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रिटायर्ड पुलिस के अफसर DSP रैंक के मिले और उनके सुपरविजन में सुरक्षा की व्यवस्था हो, सुरक्षा की एजेंसी भी बेहतर से बेहतर आए, जो बाकी जगह कर रही हैं सुरक्षा का काम वो भी हम लोग करने जा रहे हैं। प्रयास तो यह है कि बेहतर से बेहतर काम हो, बेहतर से बेहतर सुविधा मिले। डॉक्टर्स की कमी है मध्य प्रदेश भर में, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि अब मैं ये कहूँ कि 40 साल तक पुरानी कांग्रेस की सरकार में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं आया, तो ये तो रिकॉर्ड की बात है, कोई ऐसी थोड़ी ही है। इनका लास्ट मेडिकल कॉलेज रीवा में बना, उसके बाद एक भी मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में आया नहीं। डॉक्टर्स की डिमांड रही बराबर, लेकिन उपलब्धता डॉक्टर बनने के बाद रही कम। अब मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज सिंह जी की सरकार ने 7 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरू कर दिया है, जल्दी से जल्दी सागर तो चल ही रहा है, बाकी हमारा दतिया है, शिवपुरी है, शहडोल है, छिंदवाड़ा है, खंडवा है, रतलाम है, बेदिसा है, इनके मेडिकल कॉलेज भी तैयार हो रहे हैं। आने वाले समय में जब ये सबसे लड़के निकलेंगे और 1 साल में 3,000 डॉक्टर बन के निकलेंगे तो ये कमी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। डॉक्टर तैयार होने में 8 साल से कम नहीं लगता, अगर PG करना है तो 10 साल भी लगता है, बहुत समय लगता है, इसीलिए ये समय भी आने वाले समय में लगेगा। पिछली बार 1900 डॉक्टर के लिए भर्ती के लिए हमने विज्ञापन किया और हमें इफेक्टिवली ज्वाइन करने के लिए 600 डॉक्टर मिले, इंटरव्यू कुल फॉर्म ही 1200 आए,
इंटरव्यू देने केवल 750 आए, तो जैसे उपलब्ध थे मैक्सिमम ले लिए गए, जैसे तैसे 650-700 लिए, ज्वाइन करने 550-600 ही पहुंचे। ये दिक्कत है हमारे सामने। इसीलिए आयुर्वेदिक कॉलेज से निकले हुए लड़के जो BMS करके डॉक्टर बने, उनको हमने विधानसभा में एक्ट में सुधार करके यह अधिकृत किया कि वो ट्रेनिंग लेंगे, परीक्षा देंगे और 72 एलोपैथी की दवाई देने की वो अधिकृत होंगे, ताकि जहाँ पर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी है और एलोपैथी का हॉस्पिटल भी है, PSC भी है, वो दोनों एकीकृत करके एक जगह वो डॉक्टर बैठे और ये पूर्ति करे। इस तरह से हमने NRHM से बहुत टेम्परेरी वॉक इन इंटरव्यू में, बुधवार को जाइए इंटरव्यू दीजिए, दूसरे दिन चॉइस बताइए, तीसरे दिन ऑर्डर लेके जाइए, ये भी हम लोग कर रहे हैं, वो हो रही है, मुझे उम्मीद है। लेकिन अनुपातिक दृष्टि से ये लग सकता है कि भाई मुरैना ही क्यों, मुरैना जिला मध्य प्रदेश में बहुत बड़े जिले, इंदौर है जहाँ सब कोई जाना चाहता है, भोपाल है, ग्वालियर है, इनको छोड़ दें तो किसी भी जिले से ज़्यादा डॉक्टर मुरैना में उपलब्ध है। यहाँ पर वेकेंसी नाम के लिए नहीं मिलती है। अभी भी जो लड़के मुरैना से PSC से सिलेक्ट हैं, वो कह रहे हैं कि कैसे भी यहीं किसी भी देहात से देहात में कर दो, तो मुरैना में तो देहात में कोई PSC नहीं मिल रही मेरे को जिसमें डॉक्टर ना हो। पूरे करीब करीब भर गए, डिस्ट्रिक्ट में जो स्ट्रेंथ है मेडिकल ऑफिसर्स की वो फुल, Class 1 हमारे पास खाली है। Class 1 तो केवल प्रमोशन से ही होंगे और वो कुछ न्यायालयीन प्रक्रियाओं कारण प्रतिबंध लगे हुए, वो हो नहीं पाए। उसके अभी हम लोग एक बाय मीडिया कर रहे हैं कि जो सीनियर हो गए, जो Class 1 होने की समस्त अर्हताएँ क्वालिफिकेशन रखते हैं, उनको हम लोग Class 1 के अगेंस्ट काम लेना शुरू कर देंगे, तो परिणाम स्वरूप तनख्वाह में कोई फर्क आना नहीं है, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स के पद खाली हो जाएंगे, क्योंकि Class 1 न होने के कारण वो अभी मेडिकल ऑफिसर के पदों को घेरे हुए हैं, और जैसे ही ऊपर जाएंगे तो हमको और डॉक्टर्स मिल जाएंगे। लेकिन बात वही आती है कि मिल तो जाएंगे, डॉक्टर लाओगे कहाँ से, आपके हमारे पास डॉक्टर ही नहीं है मध्य प्रदेश सर में, लेकिन मुरैना को तो मिल ही जाएंगे ना, बाकी तो जो है सो सब देखेंगे। हम लोग यही प्रयास है हमारा, और आप लोग आने वाले समय में, आप सबको क्योंकि अब नए साल आने में मुश्किल से, मैं सोचता हूँ कि 10 घंटे भी नहीं बचे हैं, करीब 10-10.5 घंटे बचे हैं, तो नया साल हो रहा है शुरू, उसके लिए मैं आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी लेखनी बिल्कुल ऐसी पेनी बनी रहे, और हम लोग इस अपेक्षा उम्मीद भी करते हैं कि जैसे आप लोग हमेशा हमको सतत सहयोग करते रहें, सरकार की योजनाओं का, बाकी चीज़ों का आप जनता तक पहुंचाते रहें, आने वाले समय में भी आप ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ मुरैना विधानसभा के विकास से संबंधित अगर कोई आप बात करना चाहेंगे, सुझाव देना चाहेंगे, या प्रश्न भी करना चाहेंगे, जो काम हुए हैं उनको लिए भी बात करना चाहेंगे, बहुत सारे मार्ग, बहुत सारे रोड, बहुत सारे कार्य मुरैना में हुए हैं, मैं 2-3 चीज आपको बताना चाहता हूँ। शनिचर मंदिर आपने 2004 के पहले भी देखा होगा, वो शनिचर मंदिर आप आज देखिए। शनिचर मंदिर पर जाने को रोड नहीं था कहीं, एक था भी तो इतने गड्ढे थे कि साइकिल की स्पीड से गाड़ी नहीं चलती थी। आज शनिचरा को मार्ग से जोड़ा है, शनिचरा की भव्यता आई है, मंदिर के द्वार बने हैं, अंदर बहुत सारी सुविधाएं आई हैं और आने वाले समय में होगी। ये नेशनल लेवल का है, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंदिर है, पूरे देश से लोग आते हैं, 5-5 लाख लोग शनि अमावस्या पर आते हैं। इसी तरह से बहुत श्रद्धा का केंद्र पटिया वाले महाराज जी यहाँ हैं, खिरावली का स्थान यहाँ है। पटिया वाले महाराज जी पर भी जो 2004 के पहले था वो अविश्वसनीय लगता है लोगों को, लोग पीने पानी के लिए बरसी में जब 1-1 लाख लोगों का भंडारा होता, हाथ धोने के लिए 1 घूंट पानी के लिए लोग तरसते थे, क्योंकि जो पानी टैंकर से आ जाए सो आ जाए, वहाँ पर भी 4 किलोमीटर दूर से सांक नदी के किनारे 2 बोर करके पाइप डाल के 4 किलोमीटर पानी ले जाके 60 फुट की टंकी में पानी भरा गया है। और आज
मोहरा पटिया वाले महाराज जो ड्राई होता था, पत्थर वाला था, वहां खूब पेड़ लग रहे हैं, रोड के किनारे आसपास हरियाली भी हुई है और पानी की तो कोई कमी नहीं है। एक आगे रासलीला बस्ती में हुआ करती थी, दिक्कतें होती थी बारिश में, उसके लिए भी हॉल अभी लगभग 2 करोड़ और बचेगा पैसा, वो और दे दिया गया है और हॉल का निर्माण हो रहा है। मैं सोचता हूँ यह हॉल मुरैना जिले का सबसे बड़ा हॉल होगा, इतना बड़ा जगह घेरने वाला, जिसमें लगभग 30,000 स्क्वायर फीट का हॉल होगा, ये जो काफ़ी बड़ा है। और ये सुविधा भी हम लोगों ने दी है, पानी की सुविधा, बैठने की सुविधा और बहुत सारी आने वाले चारों तरफ से मार्गों की सुविधा उस स्थान पर दी है। मुझे ध्यान है कि खिरावली स्थान जो लखनदास महाराज का है, हम जब चुनाव लड़ने आए उनकी बरसी में गए तो 1.5 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करके कीचड़ में जूते तक हाथ में लेके जाना पड़ा। और मैंने तब ये सोचा कि हे भगवान, ये यहाँ के लोग करते क्या रहे और यहाँ की जनता कितनी भली है जो इनको फिर भी वोट देती है। मैंने वहाँ ये सोचा कि इस मार्ग को मैं जोड़ूंगा और मुझे ये कहते खुशी है कि चार तरफ से खिरावली जुड़ा आया, चार दिशाओं से, जिधर से जाओ उधर से आप पहुँचो, आप रामसू तरफ से आ जाओ, शनिचरा से सीधे आ जाओ, बामौर तरफ से भूरा टाणा होकर चले जाओ, आप स्टेट जाओ इधर से तो खरपर भर्राण से छर्रा कपड़ा हो तो पहुँच जाओ, और उधर से एक गुलंदरी के पगर से रास्ता जा रहा है, चार पक्के डम्बर के 12 मासी रोड, वही स्थान है जहाँ पर एक भी रोड नहीं था। विकास तो बहुत हुए हैं, काम भी बहुत हुए हैं, आपको दिखाई भी देते हैं, लेकिन जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं रह पाते, वो 5 साल तक विकास शून्य होता है, जीरो हो जाता है। ये कहते हुए अफसोस है कि जो कार्य मैंने 2008 में करके अधूरा छोड़ा, वो मुझे 2013 में उतने ही मिला जितने पर छोड़ के गया। और एक 2 किलोमीटर का टुकड़ा रिठौरा से आगे की जगह तक बच गया था तो वो मुझे पैसे ही पड़ा मिला 5 साल तक। फिर किया एक ब्राह्मण बालक और एक तोमर साहब का बालक मोटरसाइकिल से जा रहा, धूल उड़ती जा रही थी, मेरी गाड़ी निकली तो वो लौट के आया विपरीत दिशा से, तेज आया। मैंने बात किया, मैंने गाड़ी रोकी, मेरे से बोला कि सर इसको बनवाना मत। मैंने कहा मैं बनवाने की स्थिति में ही नहीं हूं। अरे याद तो रहे कि ऐसे ही थे पूरे रोड पहले, ये तो भूल गए, ये तो भूल गए साहब, आपने सिलगिला जोड़ दिया, आपने बेतावली जोड़ दिया, आपने फलाना जोड़ दिया, आपने नौगा 25 रोड गिनाए, वो तो कोई नहीं, ये 2 किलोमीटर नहीं बना, ये याद है, पहले तो सभी ऐसे थे। मैंने कहा यार तुम बड़े होशियार हो, अरे आपको लाएंगे अगली बारे, आप जो ध्यान रखो मेरा। और आप सब जानते हैं उस पूरे क्षेत्र ने भरपूर आशीर्वाद दिया और विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव भी जिताया। हमें कहते हैं कि विकास, कई लोग कहते हैं कि मुरैना क्षेत्र इधर विकास से कोई सरोकार नहीं है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। जनता को विकास चाहिए, परिस्थिति अलग होती है लेकिन विकास बोलता है और उसकी सुविधाएं पीढ़ियों को मिलती हैं, वो हम लोग पूरे सतत लगे हुए हैं। शिवराज सिंह ने जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश की होलिया बदली है, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे दूसरे क्षेत्र हो, निर्माण क्षेत्र हो, बाईपास हो, रोड हो, आप देखिए गवारियां बाबू घूसते हैं तो सकली अलग अलग, वो एक मंदिर पता नहीं लगता कभी यही था क्या, और मतलब चारों तरफ चाहे रोड्स को देखें चाहे ये देखें, तो ये बहुत सारी चीजें जो की जा सकती हैं। लेकिन मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, आप लोग पधारे हैं, इसके बाद आपके लिए भोजन का भी व्यवस्था है, सबसे आकर भोजन भी करेंगे, तो अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं प्रयास करूंगा आपकी भावनाओं के अनुरूप जवाब देने का। Thank you.